हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंटरमीडिएट के पोएट्री नंबर 9 का, जिसका टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने बताया कि एक आदमी है जो अपनी यात्रा से लौट रहा था, तो जो मतलब शाम थी, बहुत ही अंधेरी थी, बर्फ गिर रही थी और जंगल में बर्फ जमे हुए थे और जंगल बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तो जो आदमी है, मैन है, वहाँ रुकना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि यहाँ आसपास कोई फार्म हाउस नहीं, रुकने का स्थान नहीं है, तो यहाँ रुकने से कोई फायदा है नहीं। इस पर उन्होंने जो एक कविता नहीं, जो आदमी का उन्होंने उल्लेख मेंशन किया है, इसमें कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि जीवन के अनेक पड़ाव में, जीवन के बहुत से पड़ाव में हम क्या होते हैं कि बहुत से सुंदर चीज़ों को देखकर हम वहीं पे रुकने का प्रयास करते हैं, जबकि वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फार्म हाउस नहीं, ना कि हमारा वो मतलब हमारा लक्ष्य नहीं होता है। तो ऐसे सुंदर चीज़ें जहाँ मिलें या फिर ऐसी जो हमें आकर्षक लगे और हमारा मन वहाँ रुकने के लिए कहे, तब हमें अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। और जब हमारा लक्ष्य में हमारा एम टारगेट हमें याद आएगा, तो हम उस लक्ष्य पर नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस कविता में उस व्यक्ति के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही बताने का प्रयास किया है। चलिए इसके टेक्स्ट का अध्ययन देखिए। टेक्स्ट में कह रहे कि हूज वुड्स दीज आर, वुड्स मतलब जिस किसके, हूज मिस किसके, वुड्स मिस जंगल, दीज मतलब ये, आर मतलब है, यानी ये किसके जंगल हैं। हूज वुड्स दीज आर, ये किसके जंगल हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, यानी का मतलब कभी कह रहे हैं कि हूज वुड्स किसके जंगल दीज ए आर है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। हिज हाउस, उसका घर, इज है इन द मिडल ऑफ, हिज हाउस उसका घर, इज मिस है इन मिस में, इन द विलेज यानी गांव में, दो यद्यपि, दो मिस यद्यपि कह रहे हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो यद्यपि, दो मिस यद्यपि, यहां से देखिए उठाएंगे, यद्यपि उसका घर गांव में है, यद्यपि उसका घर गांव में है। He will not see me. He will not see me. वह नहीं देखेगा. He will not see me. वह मुझे नहीं देखेगा. Me मुझे नहीं देखेगा. Stopping here. यहाँ रुकते हुए. यानी जो आदमी अपनी यात्रा से लौट रहा है, तो कह रहा है कि ये किसके जंगल हैं? मैं सोचता हूँ उसका घर गांव में है और वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा. He will not see me. वह मुझे नहीं देखेगा. Stopping here. यहाँ रुकते. To watch. देखते ही, देखते हुए. His woods, यानी मैं अगर उसके जंगल को देखता हूँ तो भी वो हमें नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका घर कहाँ है, गांव में है। To watch, देखना, his woods, उसके जंगलों को। Fill up, जो भरे हुए हैं with snow, बर्फ से, यानी जो बर्फ से भरा हुआ जंगल है उसको मैं देखूंगा, फिर भी वो जिसका जंगल है उसका घर गांव में, उसको मैं देख नहीं पाएगा। My little horse, अब यहाँ पे जो little horse है इसको हम मन कह सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी मतलब आकर्षक जो में रहते हैं तो हमारा मन हमें संकेत देता है। तो राइटर कह रहा है कि उसका जो छोटा घोड़ा वो क्या होता है, उसको विचित्र महसूस लगता है जब बिना फार्म हाउस के रुकता है। यानी कह रहा है कि माय लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट वी थिंक इट क्वेरियर, क्वीर, उसे क्या लग रहा है, बहुत क्वीर, विचित्र लग रहा है। यानी मैं यहाँ रुक रहा हूँ तो मेरे छोटे घोड़े को बहुत ही क्या लग रहा है, बहुत ही विचित्र लग रहा है। टू स्टॉप, रुकना, विदाउट, बिना ए फार्म हाउस नियर, यानी बिना आसपास किसी फार्म हाउस के रुकना, ठीक है, रुकना, इस पर हमारा घोड़ा क्या कर रहा है, विचित्र महसूस कर रहा है। बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में लगता है, बिटवीन बीच में, द वुड्स जंगल के, एंड फ्रोजन लेक और जमी हुई झील के बीच में, यानी जमी हुई झील और जंगल के बीच में रुकना, ठीक है, हमारे घोड़े को कैसा लग रहा है, विचित्र लग रहा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये क्या है, डार्केस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री कह रहे हैं, द डार्केस्ट इवनिंग, सबसे ठंडी शाम ऑफ द ईयर, इस साल की, और ये इस साल की सबसे ठंडी शाम भी है। कह रहे कि हिज हॉर्स,
ठीक है, कह रहे कि ही गिव्स हिज हॉर्न्स, ही गिव हिज हॉर्न्स वेल ए सेंग सेक, यानी सिंह में हिलाकर, यानी हिलाकर वो अपनी घंटी को हिलाकर क्या करता है, संकेत देता है। टू आस्क, पूछता है कि क्या देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो रही, कहने का मतलब घोड़ा उनको संकेत करता है कि यहाँ गलती कर रहे हैं रुक के, क्योंकि यहाँ फार्म हाउस नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। टू आस्क, पूछता है इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक है। द ओनली अदर साउंड, और जो दूसरी आवाज है, द ओनली मतलब केवल द अदर साउंड, दूसरी आवाज है द स्वीप, जो स्वीप नहीं, स्वीप जो आवाज आ रही है ऐसे स्वीप करके चल रही है, ऑफ इजी विंड, यानी जो हवा है वो बहुत ही स्वीप यानी इजी विंड धीरे धीरे चल रही है। एंड डाउनी फ्लेक, और क्या हो रहा है, जो बर्फ है वो गिर रहे हैं। द वुड आर लवली, जंगल सुंदर है, डार्क घने हैं, एंड डीप और गहरे हैं, यानी द वुड्स जंगल आर मिस हैं, लवली सुंदर है, डार्क घने हैं, एंड डीप गहरे हैं। बट लेकिन आई हैव टू प्रोमिस टू कीप, आई हैव टू प्रोमिस, आई हैव प्रोमिस, लेकिन आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपना वादा क्या करना है, पूरा करना है, कहने का मतलब जो जीवन का लक्ष्य है उसको कह रहे हैं। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपना वादा पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो, और मीलों जाना है, बिफोर आई स्लीप, बिना सोए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और बिना मीलों सोए मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। नमस्कार मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।